हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एमएम लॉ क्लासेस में। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे क्रिमिनल बीच ऑफ ट्रस्ट सीबीटी के बारे में, आपराधिक न्यास भंग के बारे में। जो चैप्टर 17 में दिया गया है आईपीसी की, चैप्टर 17 में है। चैप्टर 17 डील करता है संपत्ति के रिगार्डिंग जो ऑफेंस है, जो प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग ऑफेंस है उनके बारे में बताता है चैप्टर 17 आईपीसी 1860 का, और जिसमें 378 से लेकर 462 तक सेक्शंस है। तो आज हम बात करेंगे आपराधिक न्यास भंग के बारे में। सेक्शन 405 में बताया गया है कि आपराधिक न्यास भंग किसको कहेंगे, क्रिमिनल बीच ऑफ ट्रस्ट किसको कहेंगे। एक उदाहरण लेते हैं पहले, क्रिमिनल बीच ऑफ ट्रस्ट किसे कहेंगे। देखिए, क्रिमिनल आपराधिक ब्रीच, तोड़ना, भंग करना किसको, ट्रस्ट को। जो कोई चीज ट्रस्ट करके किसी को दी गई है उस ट्रस्ट को तोड़ना, ठीक है। जैसे एक आप उदाहरण ले सकते हैं, आप कोई सामान किसी गाड़ी के थ्रू कहीं भिजवाते हैं, ठीक है, आपको सामान आपको शिफ्ट करना है यहां से कहीं और, किसी और शहर में शिफ्ट करना है। मान लीजिए आपको दिल्ली से कहीं और जाना है, दिल्ली से मेरठ मान लेते हैं जाना है, तो दिल्ली से आपने सामान भर दिया किसी ट्रक में और वो कहाँ जाना है, मेरठ जाना है। लेकिन बीच में क्या हुआ, ड्राइवर ने उस सामान में से कुछ सामान निकाल लिया या वो पूरा ही चला गया लेकर, तो क्या हुआ, क्रिमिनल बीच ऑफ ट्रस्ट हुआ, ठीक है। उसने जो दोनों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, जो दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उसका अतिक्रमण उसने किया है, ठीक है। तो इस तरह जो प्रॉपर्टी किसी के पास दी गई है ट्रस्ट के लिए और वो उसका उपयोग कर लेता है या उसको किसी भी तरह डिस्पोज ऑफ कर देता है तो उसको कहेंगे ट्रस्ट को तोड़ना, न्यास का भंग करना, ठीक है, ट्रस्ट को तोड़ना। ये उदाहरण है। अब देख लेते हैं सेक्शन क्या कहती है क्रिमिनल बीच ऑफ ट्रस्ट की। सेक्शन 405 बताती है क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, आपराधिक न्यास भंग। सेक्शन में बताया गया है कि न्यास कहते हैं जो सौंपी गई है कोई भी चीज, कोई भी प्रॉपर्टी, वो किसी भी तरह से हो, किसी भी तरीके की हो सकती है। आपराधिक न्यास भंग में प्रॉपर्टी मूवेबल और इमूवेबल दोनों हो सकती है। कोई प्रॉपर्टी किसी को न्यास जो की गई है यानी सौंपी गई है किसी भी तरीके से, जो प्रॉपर्टी उसको सौंपी गई है किसी भी तरीके से और उस प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग उनमें कोई एक्सप्रेस यानी अभिव्यक्त किया हुआ या इम्प्लाइड विविक्षित छुपा हुआ कोई कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है, कोई संविदा है, या तो वो एक्सप्रेस की हुई है, अभिव्यक्त की हुई है, या इम्प्लाइड है, छुपी हुई है, कोई कॉन्ट्रैक्ट है, उस कॉन्ट्रैक्ट का अतिक्रमण, इस कॉन्ट्रैक्ट का आप बेईमानी से अतिक्रमण करता है, उस जो ये कॉन्ट्रैक्ट है उसका अतिक्रमण करता है और जो संपत्ति है और जो ये संपत्ति उसको दी गई है उसको दुर्विनियोग करता है या उसका उपयोग करता है, उसको यूज करता है या उसको कन्वर्ट करता है यूज करने के लिए, ठीक है, या उसका व्यय करता है, डिस्पोज ऑफ उसको करता है, या किसी और से होना सहन करता है, किसी अन्य व्यक्ति से ऐसा होना सहन करता है, तो उसको क्या समझा जाएगा, सीबीटी समझा जाएगा, क्रिमिनल बीच ऑफ ट्रस्ट समझा जाएगा, ठीक है। तो कोई प्रॉपर्टी जो सौंपी गई है और कॉन्ट्रैक्ट किस तरह का है, वो अभिव्यक्त किया हुआ भी हो सकता है या छुपा हुआ भी हो सकता है, उस कॉन्ट्रैक्ट को अतिक्रमण करके दुर्विनियोग करता है उस चीज का, प्रॉपर्टी का, उसका उपयोग करता है, उसको कन्वर्ट करता है
या उसका डिस्पोज ऑफ करता है या डिस्पोज ऑफ किसी और व्यक्ति के द्वारा होना सहन करता है तो उसको क्या समझा जाएगा, सीबीटी समझा जाएगा, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट समझा जाएगा। उदाहरण हमने ले लिया। दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए रेल में जाते हैं तो वहां वेयर हाउस कीपर रहते हैं, सामान रखने की एक जगह है जहां आप अपना सामान रखकर जा सकते हैं, कहीं घूमने के लिए या कहीं और जा सकते हैं। वो क्या करेगा, आपको उसके एवज में कुछ पैसे लेगा। तो वहां सामान रख के गए और उसने क्या किया, वेयर हाउस कीपर ने उस सामान का यूज कर लिया या उसको बेच दिया, तो क्या होगा, सीबीटी होगी, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट होगा। तो ये सेक्शन है सीबीटी, इसमें एक्सप्लेनेशन दिए गए हैं दो इसमें एक्सप्लेनेशन दिए गए हैं, एक्सप्लेनेशन वन और एक्सप्लेनेशन टू। एक्सप्लेनेशन वन में बताया गया है कि कोई एम्प्लॉयर है किसका, किसी संस्था का, जो क्या है, भविष्य निधि के बारे में बताती है, भविष्य निधि के बारे में, या कोई पेंशन स्कीम है उसमें जो पेंशन स्कीम में भविष्य निधि में जो पैसा जमा करते हैं और जो उसका मालिक है उसी के द्वारा उसको यदि यूज कर लिया जाएगा तो क्या होगा, सीबीटी होगा। और दूसरा एग्जाम्पल दिया गया है बीमा निगम के बारे में कि कर्मचारी राज्य बीमा निगम में जमा जो करते हैं पैसे उसमें से कटौती कर लेना, किस तरह से, बेईमानी की नियत से कटौती कर लेना भी सीबीटी होगा। ये एक्सप्लेनेशन है, इसके जो उदाहरण दिए गए हैं, इलस्ट्रेशन दिए गए हैं, वे इंपॉर्टेंट हैं। तो ये आपको सीबीटी यहां इतना समझ लेना चाहिए। इसके बाद इलस्ट्रेशन देखते हैं, इलस्ट्रेशन महत्वपूर्ण है, ये सेक्शन भी इंपॉर्टेंट सेक्शन है। तो एक्स जो इसके नीचे एग्जांपल दिए गए हैं, इलस्ट्रेशन दिए गए हैं, उनसे काफी अच्छी तरह ये क्लियर हो जाएगी सब सेक्शन। पहला है कि कोई भी एग्जीक्यूटर क्या होता है, निष्पादित जो करता है, ठीक है, जो उस मामले का निपटारा करेगा। तो किसी विल को किसी आदमी ने विल बनाई अपनी, वो मर गया, तो जिसके पास वो विल रख के गया था, ठीक है, उसने एग्जीक्यूटर जो है जिसको एग्जीक्यूट करनी थी वो विल, उसने क्या किया, उसमें से कुछ हिस्सा अपने पास भी रख लिया, ठीक है, कुछ हिस्सा अपने पास भी रख लिया, जो उसका ट्रस्ट था विल करने वाले का, उसको तोड़ा, कॉन्ट्रैक्ट का अतिक्रमण किया और कुछ अपने पास भी बेईमानी से रख लिया। तो ये इसने क्या किया, यहां सीबीटी की, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया। दूसरा एग्जांपल वही है वेयर हाउस कीपर वाला, जो रेलवे का वेयर हाउस कीपर वाला, वो एग्जांपल मैंने दिया है कि उसके पास हम सामान रखे गए, वो उसको यूज करता है या उसको बेच देता है या डिस्पोज ऑफ करता है, तो क्या करेगा, सीबीटी करेगा। तीसरा एग्जांपल है इसमें सी कि ए जेड का एजेंट है, ए कहीं और रहता है, जेड कहीं और रहता है, मान लीजिए एक दिल्ली में रहता है, एक कोलकाता में रहता है, तो वो जो उनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट है उसके लिए वो पैसे भेजता है कि भाई जो आप ये काम करो, क्या करो, आप कंपनी के पेपर खरीदने के लिए जेड भेजता है ए को, कितने, 1,00,000 रुपीज भेजता है, 1,00,000 रुपीज भेजता है जेड ए को कि कंपनी के पेपर खरीद लीजिए आप, ठीक है, लेकिन वो पेपर ना खरीद कर वो क्या करता है, जेड पेपर ना खरीदते हुए वो अपना बिजनेस शुरू कर देता है उन पैसों से। तो इसने क्या किया, सीबीटी किया, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया। और डी बताता है कि इसी सिचुएशन में ये जेड एजेंट है ए का, ए इसको पैसे भेजता है कंपनी पेपर के लिए, लेकिन ये क्या करता है, ये सोचता है कि इसमें तो घाटा हो जाएगा, लेकिन वो गुड फेथ में, सद्भावना पूर्वक ये सोचते हुए कि शेयर मार्केट में यदि लगा दूंगा तो उसका ज्यादा फायदा होगा, किसका, जिसका वो एजेंट है। तो यहां सीबीटी नहीं माना जाएगा क्योंकि वह सद्भावना पूर्वक ये विश्वास रखता है कि शेयर मार्केट में उसका पैसा ज्यादा बढ़ेगा, लेकिन वो उस पर सिविल सूट ला सकता है, मतलब सिविल में वो मुकदमा चला सकता है, लेकिन उसको सीबीटी नहीं माना जाएगा। ई
ई में बताया गया है कि ए एक राजस्व अधिकारी है, एक राजस्व अधिकारी है, कुछ राजस्व इकट्ठा हुआ उसके पास, कुछ पैसे इकट्ठा हुए, वो किसको देता है, जेड को देता है, जिसके पास उसे जमा कराने होते हैं। जेड कहां जमा कराएगा, जेड जमा कराएगा जहां सरकार ने उसकी जगह निश्चित की है, किसी बैंक में या जहां भी उसको डायरेक्शन है जमा करने की। लेकिन जेड क्या करता है, ए ने तो जमा करा दिए, जेड उन्हें अपने यूज में ले लेता है, आगे जमा नहीं करता जहां सरकार की डायरेक्शन है जमा करने की। तो ए ने, जेड ने क्या किया, ए ने तो अपना काम कर दिया देकर, लेकिन जेड ने अपने यूज के लिए किया, तो सीबीटी का अपराधी होगा। अब इसमें एफ जो कि हम अमूमन रोज यूज करते हैं कि किसी भूमि से या जलमार्ग से कोई सामान भेजते हैं और वाहक जो उसको ले जाने वाला है वो जो है बेईमानी से उसको रख लेता है, यूज कर लेता है, या उस सामान को ले जाता है कहीं और वहां नहीं पहुंचाता, तो ये सीबीटी माना जाएगा। भूमि जैसे हम रोड के माध्यम से भेजते हैं, और जल जैसे हमने किसी नाव के माध्यम से भेजा या किसी जहाज पानी के जहाज के माध्यम से भेजा, तो ये सीबीटी होगा। इसमें ये इलस्ट्रेशन है एफ तक। अब इसमें दो केस है, एक है नारायण चंपालाल बनाम नारायण चंपालाल वर्सेस महाराष्ट्र 1990 का केस है, ये नारायण चंपालाल वर्सेस महाराष्ट्र का केस है। इसमें क्या हुआ था कि इसके यहां इनकम टैक्स की रेड पड़ी, इनकम टैक्स वाले पूरा दिन लगे रहे लेकिन सारा जो है वो धन इकट्ठा नहीं कर पाए, तो उन्होंने क्या किया, एक अलमारी में पूरा जो उसका धन था, आभूषण थे, सब एक अलमारी में बंद किया और उसकी बाहर से सील लगा दी कि बाकी काम हम कल करेंगे। तो इसने क्या किया, रात को वो अलमारी को काटा और पीछे से उसमें से कुछ सामान निकाल लिया, तो यहां जो है इसको सीबीटी माना गया, क्रिमिनल बीच ऑफ ट्रस्ट माना गया, क्योंकि जब इस अधिकारी ने उस अलमारी में सामान रखकर सील बाहर से लगा दिया तो उन्हें ये ट्रस्ट था कि हम आकर कल देख लेंगे, ठीक है, एक विविक्षित कॉन्ट्रैक्ट हो गया था कि अब ये इस पर सरकारी मोहर लग गई है, आप इसको खोलने के हकदार नहीं हो, तो ठीक है। ये नारायण चंपालाल वर्सेज महाराष्ट्र का केस है। एक और केस है मधुसूदन मल्होत्रा वर्सेज किशोरचंद, मधुसूदन मल्होत्रा वर्सेज किशोरचंद, इसमें भी ये किशोरचंद भंडारी है, किशोरचंद भंडारी, तो ये अमूमन हमें पता होना चाहिए, प्रैक्टिकली हम आसपास देखते हैं। इस केस में क्या था कि स्त्री धन क्या होता है, जो स्त्री अपनी दहेज में साथ लेकर आती है, ठीक है, तो जो साथ लेकर आती है उस पर उसके जो ससुराल पक्ष है उसका या उसके पति का कोई ऐसा हक नहीं है, कि हक किसका है उस पर जो है वो अधिकार किसका है, उस स्त्री का है, वो स्त्री धन माना जाता है जो वो दहेज में लेकर आई है, तो इन्होंने क्या किया उसको धन वापस नहीं दिया, ठीक है, ससुराल पक्ष में वो सामान लेकर आ गई, दहेज लेकर आ गई, तो जब गई उसे जो चाहिए था उन्होंने नहीं दिया, तो इसको माना गया सीबीटी माना गया, ठीक है। तो अब सीबीटी हमने पहले क्या पढ़ी, चोरी पढ़ी, सबको पता है चोरी के पांच तत्व है, ठीक है। दूसरा हमने एक्सटॉर्शन पढ़ा, एक्सटॉर्शन क्या है, उसमें इंस्टेंट भय नहीं है, थोड़ा भय में अंतर है। उसके बाद पढ़ा हमने लूट में क्या हुआ, तुरंत भय दिखाकर प्रॉपर्टी ली गई, और प्रॉपर्टी ली गई तुरंत भय दिखाकर रोबरी में, और अगला क्या था, डकैती थी, डकैती में पांच से ज्यादा आदमी थे। अगला क्या, आपराधिक दुर्विनियोग, जिसको जो चीज लेकर जाता है सोचता है कि ये मेरी है,
जबकि वो बाद में मतलब बाद में उसका मन बेईमानी में आया तो क्या होगा, आपराधिक दुर्नियोग होगा। और आपराधिक न्यास भंग क्या होगा, विश्वास को तोड़ना। जो कॉन्ट्रैक्ट एक कॉन्ट्रैक्ट आपराधिक न्यास भंग सीबीटी में एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट है, चीज उसको दी गई है, सौंपी गई है, उसको ट्रस्ट किया गया है, उसको उसने क्या किया, ट्रस्ट को भंग कर दिया, जो ट्रस्ट था उसमें दरार पैदा कर दी, तो उसको क्या समझा जाएगा, सीबीटी। ये सारी चीजें इसमें डिफरेंस है। अब इसमें आगे की जो सेक्शन है उसमें केवल पनिशमेंट बताया गया है, सीबीटी का पनिशमेंट तो आप बुक से देख कर भी आराम से उसमें समझ जाते हैं। तो 406 में क्या है, सीबीटी जो क्रिमिनल बीच ऑफ ट्रस्ट करेगा वो 3 साल की सजा या जुर्माना या उसको दोनों दिए जा सकते हैं। 407 क्या है कि यदि ये वाहक या ये स्टोर कीपर की जो वेयर हाउस कीपर, इस तरह की जो वेयर हाउस कीपर, वाहक क्या होता है, जो माल ढोने वाले होते हैं, स्टोर हाउस कीपर या घाटवाल क्या होते हैं, जो पानी के द्वारा वे ले जाते हैं, घाटवाल, इनके द्वारा यदि क्रिमिनल बीच ऑफ ट्रस्ट किया जाएगा तो 7 साल की सजा होगी प्लस जुर्माना भी होगा, जुर्माने के साथ होगा। 408 में क्या है, किसी क्लर्क के द्वारा या उसके सर्वेंट के द्वारा, ठीक है, अपने ही मालिक का क्रिमिनल बीच ऑफ ट्रस्ट किया जाएगा तो 7 साल की सजा प्लस जुर्माना इसमें सजा होगी, ठीक है, क्लर्क वाले में 408। 409 जो क्रिमिनल बीच ऑफ ट्रस्ट की लास्ट सेक्शन है, इसमें आजीवन कारावास तक सजा है, 10 साल आजीवन कारावास या 10 साल तक की सजा जुर्माने के साथ है, लेकिन किसके द्वारा, या तो पब्लिक सर्वेंट के द्वारा यदि किया जाए सीबीटी, पब्लिक सर्वेंट के द्वारा, बैंकर के द्वारा या मर्चेंट के द्वारा, ब्रोकर के द्वारा, इनके द्वारा यदि किया जाएगा तो क्या होगी, आजीवन कारावास की सजा हो सकती है या 10 वर्ष तक की प्लस जुर्माने के साथ। तो ये हमारी सीबीटी की सेक्शन थी 409 तक। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया है तो जरूर इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, कोई भी सजेशन देना हो या किस तरह क्या करना चाहिए जरूर कमेंट करें, जो कोई कमी रह गई हो वो भी कमेंट करके जरूर बताएं। और आपका धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, थैंक यू वेरी मच।